सुना नहीं। जिब्रील साया किए हुसैन ने देखे कहा जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। जिब्रील पर समेटो जल्दी जाओ, वक्त इम्तिहान है हुसैन। तो जुमले ने आसमान पे बैठ के सुन लीजिए, जिब्रील गए 1,23,999 आदमिया करबला में नाजिल हुए, हाथों को जोड़ के कहा फरजंदे रसूल अगर इजाजत दे तो हम आपकी मदद करें। तारागढ़ वालों मैंने कहा आसमान पे बैठ के जुमला सुनना, फरजंदे रसूल अगर आप कहे तो हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं। जिसने एक बार अब्बास के परचम की हवा खाई हो ना, यकीनन मेरी खिताबत को दाद नहीं, अब्बास को सलाम कर लेना और देखो कितनी देर तक सलाम होता है। क्या कहा? फरजंदे रसूल अगर आप कहें हम आपकी मदद करें। हुसैन ने कहा वापस जाओ, तुम्हारी मदद करने तो हम खुद आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे। 1,23,999 अंबिया गए, जाफर जीन आया, हाथों को जोड़ के कहने लगा मौला इजाजत दीजिए अगर कयामत न बर्पा करो, गुलाम न कहना, इन्हें खत्म न कर दो, गुलाम न कहना, करबला तहबाला न करो, गुलाम न कहना। हुसैन ने कहा जाफर ये मेरी अदालत के खिलाफ है, ये मेरी अदालत के खिलाफ है कि तुम न दिखने वाली मखलूक हो, ये दिखने वाली मखलूक है। हुसैन की अदालत ये गवाही नहीं देती, गवारा नहीं करती कि दिखने वाली मखलूक। हुसैन कितना आदिल है करबला में, और इनसे मैं नहीं लड़ा सकता, लेकिन जाफर यकीन बार बार कदमों को चूम के मौला इजाजत दीजिए, मौला इजाजत दीजिए, अगर इन्हें खत्म न करूं गुलाम न कहिएगा, करबला तहबाला न कर दूं गुलाम न कहिएगा, कयामत न मचा दूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर चुप हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की अगर हुसैन को यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तो होता, अब्बास को तलवार ना दे देता। इसलिए कि अब्बास को इतना यकीन है कि सारी दुनिया एक तरफ, जैनब का भरोसा एक तरफ। आवाजें बुलंद हो गई, जुमला सुन ले, कायनात के सबसे बड़े मजलूम का नाम है हुसैन। घर तक रोते जाएंगे, पर कायनात की सबसे बड़ी मजलूमा का नाम है फातिमा। वजह बता दूं, किसी की यहाँ जब जनाजा होता है मैयत हो जाती है, लोग चल के जाते हैं उसके घर पुरसा देने, ये बीवी चल के आती है अपने बेटे का पुरसा लेने। देखिए फजाइल कैसे भी सुना करो, मसाइल गरीब बन के सुना करो, मसाइल मातम करके सुना करो। बीबी ने फजाइल की तमन्ना नहीं की, बीबी ने जब भी पूछा तो पूछा बाबा मेरे लाल पर रोएगा कौन, बाबा मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा। अल्लादारो मोहम्मद फातिमा से जिंदगी भर कहते रहे फातिमा हमसे कुछ मांग लिया करो, फातिमा ने अपने बाप से कभी कुछ नहीं मांगा। अली कहते रहे फातिमा हमसे कुछ मांग लिया करो, फातिमा ने अपने शौहर से कुछ नहीं मांगा। मैंने पूरा मसाइब पढ़ दिया, आप समझे ही नहीं।